हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है रिसीडिंग हेयर लाइन के ऊपर और हेयर फॉल के ऊपर। कुछ ऐसे मिस्टेक जो आप करें जिनके कारण आपकी जो रिसीडिंग हेयर लाइन है वो दिन प्रतिदिन पीछे जा रही पीछे जा रही पीछे जा रही। और मेरे भाई, विश्वास मानो, अगर ये मिस्टेक आप स्टॉप नहीं करोगे समय रहते तो आप गंजे भी हो सकते हो। तो गाइस, आज इस वीडियो में तुम्हारा भाई बात करेगा उन मिस्टेक के बारे में जो आप अभी कर रहे हो, जिसके कारण आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और आपकी रिसीडिंग हेयर लाइन पीछे जाती चली जा रही है। तो मेरे भाई, आपको करना क्या है, अगर आपको अपने हेयर से प्यार है और अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में आप गंजे ना दिखो और आपकी जो रिसीडिंग हेयर लाइन है पीछे ना जाए, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। जो जो बातें बताऊंगा ध्यान से सुनना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, आपके लिए सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे भाई की छोटी सी इतू सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। और गाइस, अगर आप अपने भाई को इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टा की लिंक तुम्हारा भाई डिस्क्रिप्शन में डाल देगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मेरे भाई, अब बात करते हैं रिसीडिंग हेयर लाइन। रिसीडिंग हेयर लाइन क्या है, ये दो प्रकार की होती है। पहला, जो आपके साइड से हेयर जाना स्टार्ट हो जाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। आप बॉलीवुड में बहुत सारे सेलिब्रिटी को देखे होंगे, उनके साइड से गायब हो चुके हैं, बट ये जाएगा, चल जाएगा। आप हेयर स्टाइल यहाँ से शॉर्ट करके आप रख सकते हो, अच्छा भी लगेगा, बियर्ड बड़ी कर सकते हो। बट दूसरी जो मैं बता रहा हूँ, जो दूसरी होती है, वो यहाँ फ्रंट से जाती है, आपके यहाँ से रिसीड होता है यहाँ से, तो मेरे भाई बहुत ही गंदा लगता है। जाहिर सी बात है, जब यहाँ से बाल जाना स्टार्ट हो जाएंगे तो आप पूरे यहाँ से ऐसे गंजे हो जाओगे, तो इसको कैसे छुपाओगे। तो दो प्रकार की होती है, एक हुई साइड वाली, एक हुई यहाँ सामने से। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर वन। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है, DHT का बहुत ही ज़्यादा आपके स्कैल्प में हाई हो जाना। इसमें मिस्टेक क्या है, इसको आप समय रहते ठीक नहीं करते। आपको ठीक कैसे करना है, सबसे पहले हम बात करेंगे। आप इसको ठीक कर सकते हो हेड स्टैंड से। कैसे ठीक होगा, जब यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट होगा तो आपका DHT ख़त्म होगा। तो DHT को ख़त्म करने के लिए आपको स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करना है। तो आप हेड स्टैंड कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो और हैंड स्टैंड भी कर सकते हो, तो जिससे आपका यहाँ पे DHT बहुत ही ज़्यादा कम होगा, जिससे आपका जो रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम है और हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे करके स्टॉप होना स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं खाने में क्या ऐसा खाएं जिससे आपका जो रिसीडिंग हेयर लाइन है और जो मेन जो DHT है ये कम हो। मैं बात करूँगा टमाटर की। आप टमाटो सबके घर में होगा टमाटर, आप टमाटर डेली 1 से 2 खाना स्टार्ट करो। आंवला खा सकते हो, अखरोट खा सकते हो, काजू खा सकते हो, बादाम खा सकते हो, मूंगफली खा सकते हो, ये सबसे आपका DHT लो होगा और आपकी रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, हेयर फॉल स्टॉप होगा। अब बात करते हैं दूसरी मिस्टेक की। दूसरी मिस्टेक सबसे ज़्यादा छोटी छोटी बात पे दवा खाना, कुछ भी थोड़ा सा भी हल्का सा भी आपकी हाथ की उंगली भी दर्द हो रही तो आपको पेन किलर खानी है, तो मेरे भाई ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है आपके हेयर को। अगर आप बहुत ही ज़्यादा दवा खा रहे हो तो आपका हेयर फॉल होगा और रिसीडिंग हेयर लाइन पीछे जाएगी। तो कोशिश करो लाइफ स्टाइल ऐसी रखो, डाइट ऐसी रखो, एक्सरसाइज लाइफ में डालो, तो बीमार कम पड़ोगे, तो दवा भी नहीं खानी पड़ेगी। अब बात करते हैं तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जिसका असर सीधे आपके स्किन और हेयर पे और आपके डाइजेशन पे पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ जंक फूड, बाहर की चीज़ें कुछ भी, चाहे जितनी अच्छी हो, चाहे जितना वो बोले वो अच्छा है, बट अगर आप बाहर की चीज़ें खा रहे हो बहुत ज़्यादा ऑयली मसालेदार, तो उसका असर आप तैयार रहो, रेडी रहो अपने हेयर पे और स्किन पे देखने के लिए और रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम होगी। तो कोशिश करना क्या, 100% आप ये सोच लो कि आपको बाहर की चीज़ें खानी ही नहीं, जंक फूड आपको खाना ही नहीं, उसके बदले आप अपनी अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी डाइट कर लो। डाइट में जो मौसम के हिसाब से फल आते हैं उनको खाना स्टार्ट करो और हरी सब्जियां जितना हो सके खाओ। इनमें रिच फाइबर होता है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और आपकी हेयर के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब बात करते हैं चौथी मिस्टेक की। 100% आप सभी में, बहुत सारे लोग करते होंगे, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेस लेना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो कुछ हो या ना हो आपके बाल ज़रूर गायब होने वाले हैं और आपकी स्किन बिल्कुल ख़राब होने वाली। तो मेरे भाई, किसी काम का या किसी चीज़ का, या आपका ब्रेकअप हो गया है, लड़की का मैटर, कुछ भी, कहीं का लड़के का मैटर है, लड़की का मैटर है, कुछ भी है,
आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आप उसको स्ट्रेस लेने के बजाय उसको सॉल्व करो, ज़्यादा सही आपके हेयर बचे रहेंगे लाइफ टाइम तक आपके सर पे। तो आपको ये चौथी मिस्टेक स्ट्रेस नहीं लेना है। अब बात करते हैं पांचवी मिस्टेक जिनके कारण हमारा रिसीडिंग हेयरलाइन यहाँ से पीछे जाता है, आगे से पीछे जाता है। मैं बात करूँ फेस वाश का यूज करना, आप फेस वाश यूज करो बट फेस को धुलने के लिए ना कि अपने हेयर। कोशिश करो आप जब भी फेस वाश करो, दिन में दो बार करते हो, तीन बार करते हो, तो आपका यहाँ बालों में फेस वाश नहीं लगना चाहिए, इससे आपको रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब जब फेस वाश करना तो ये कोशिश करना आपके ये जो रिसीडिंग हेयर लाइंस हैं यहाँ पे फेस वाश नहीं लगना चाहिए। अब बात करते हैं छठवीं मिस्टेक जो मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलता हूँ, मैं बात करूँ केमिकल वाले शैम्पू का ज़्यादा यूज करना, बहुत ही ज़्यादा यूज करना। मैं तो बोलूँगा केमिकल वाले शैम्पू आप बिल्कुल त्याग दो, छुओ ही मत। अगर केमिकल वाले शैम्पू का आप बहुत ही ज़्यादा यूज कर रहे हो, शुरू में आपको बहुत अच्छा लगेगा बट एक टाइम आ गया मेरे भाई, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपके हेयर जाने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो आपको केमिकल वाले शैम्पू को बाय बाय बोलना है, आपको यूज करना है बेबी शैम्पू या माइल्ड शैम्पू। अब बात करते हैं सातवीं मिस्टेक। सातवीं मिस्टेक ये आप खुद अपने पे करोगे तब पता चलेगा, मेरे कहने से नहीं। मैं बात करूँ ज़्यादा बहुत ज़्यादा किसी दिन आप गर्म चीज़ें खाओ, बहुत ही ज़्यादा गर्म चीज़ें जो खाते हैं, बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होनी ही होनी है। अगर आपकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा हीट है, गर्मी है, तो सबसे ज़्यादा असर वो आपके बालों पे करेगा, पिंपल निकलेंगे, आपके हेयर फॉल होंगे। तो कोशिश करो नॉन वेज वन वेज कम खाओ और अपनी बॉडी को ठंडा रखो, पानी पियो, आप मट्ठा पी सकते हो जिससे आपकी बॉडी ठंडी रहेगी, कूल रहेगी, जिससे आपका हेयर फॉल की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब बात करते हैं आठवीं मिस्टेक जो आपका फेवरेट है, मैं बात कर रहा हूँ सुट्टेबाजी, स्मोकिंग करना। अगर मेरे भाई आप अभी धुएं में अपना लक्ष्य ढूंढ रहे हो तो ढूंढते रहो, कुछ दिन बाद आपके हेयर ही नहीं बचेंगे, आप अपने हेयर शीशे में देखोगे। तो कोशिश क्या 100% अभी अगर आपके पास डिब्बी है घर में, अगर है तो उसको जाओ कूड़े में फेंक दो, आपकी मम्मी पापा भी खुश, फैमिली भी खुश, आप भी खुश, आपके हेयर भी खुश। तो स्मोकिंग नहीं करना है, कभी नहीं करना है, इससे ना कि हेयर आप इंटरनल प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो मेरे भाई स्मोकिंग से बहुत सारे लोग क्वेश्चन में पूछे थे कि ध्रुव भाई क्या दिन में एक बार कर सकते हैं, तो मेरे भाई क्या ये प्रसाद है कहीं मंदिर में बट रहा है कि दिन में एक बार खा लेते हैं और दिन अच्छा जाएगा? तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको स्मोकिंग नहीं करनी, इससे हेयर फॉल गंदे लेवल का होता है। अब बात करेंगे नौवीं मिस्टेक जो आपका भाई मैं खुद करता था, मैं बात करूँ हेयर ड्रायर का यूज करना डेली। अगर हेयर ड्रायर का यूज आप डेली कर रहे हो तो आपके कहीं के बाल जाएँ या ना जाएँ, साइड के और आगे के बाल जाने वाले हैं, तो आपको हेयर ड्रायर कभी कदार कहीं जाना हो, जल्दी हो, तब यूज कर सकते हो, बट हीट लगा के नहीं, वैसे ही नॉर्मल। बाकी अगर आप हेयर ड्रायर का यूज कर रहे हो तो बिल्कुल स्टॉप कर दो। तो गाइस अब बात करेंगे दसवीं मिस्टेक के बारे में, मैं बात करूँ आप कहीं पे इंस्टाग्राम पे या कहीं कोई भी रीलर को देख रहे हो और उनकी तरह देख के अपने हेयर को कलर करा रहे हो, तो मेरे भाई ये करना बंद कर दो। आप अपने हेयर की माँ बहन कर रहे हो, अपने हेयर की वाट लगा रहे हो, तो हेयर पे कलर मत करो, ये नेचुरली अच्छे हैं जैसे हैं, ब्लैक भगवान ने दिए हैं, कुदरत का ये करिश्मा है, ब्लैक है ब्लैक ही रहने दो, इसको लाल पीला हरा गुलाबी मत करो, वरना आपको आगे चल के रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम आएगी और आपका हेयर फॉल बहुत ही गंदे लेवल का स्टार्ट हो जाएगा। तो हेयर कलर अगर आप कराने के बारे में सोच रहे हो या कराते हो तो बिल्कुल स्टॉप कर दो। तो गाइस अब बात करेंगे 11वीं मिस्टेक जो आप 100% अभी कर रहे हो, मैं बात करूँ मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन मेरे भाई नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट करो, विलेम में अगर आप एक हफ्ता इसको करते हो डेली 10 से 15 मिनट तो आपको जो अपने आप में इम्प्रूवमेंट दिखेगी, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाओगे। तो मेडिटेशन नहीं करते हो तो करना स्टार्ट करो, जो मैंने अभी बताया था स्ट्रेस बहुत ही कम हो जाएगा अगर आप मेडिटेशन करते हो। तो अब बात करते हैं आज की लास्ट मिस्टेक जो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, मैं बात करूँ हैबिट बैड हैबिट। हर एक वीडियो में मैंने जितनी वीडियो बताई है हर एक वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की कि यह कितना गलत है। मैं बात करूँ मास्टरबेशन, इसकी अगर आप इसको करते हो तो आपकी हेयर की क्वालिटी नहीं सही होने वाली, रिसीडिंग हेयर लाइन होगी, DHT हाई होगा और स्किन की प्रॉब्लम होगी, लाइफ में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। तो आप इसको स्टॉप करो और जो चीज़ें बताई, जो मिस्टेक बताई उनको स्टॉप करो, आपके हेयर हमेशा आपके सर पे रहेंगे, कभी आपको अलविदा नहीं कहेंगे। तो गाइस ये थी वीडियो, आई होप वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। वीडियो अगर आपको सच में दिल से अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी कहीं से भी, तो इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर लाइक करना, इस वीडियो को आपको
3000 लाइक एम रख रहा हूँ, 3000 लाइक करना है। मुझे पता है आप सभी बहुत 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 अच्छे अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, 100% आप लाइक करोगे और इस लाइक एम को हमेशा की तरह पूरा करोगे। तो गाइस ये थी वीडियो, आई होप बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी इतनी सी हेल्प मिली हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो भाई बहुत सारे भाई मेरे बेल आइकन को नहीं प्रेस करते, आप सब्सक्राइब कर देते हो, बेल आइकन को नहीं प्रेस करते, जिसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ तो आप तक वो नहीं पहुँचती। तो कोशिश करना कि आप जब सब्सक्राइब करना तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ। मैंने अभी कुछ दिन दो दिन पहले एक वीडियो डाली स्किन केयर पे, अगर आपने नहीं देखी तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके अभी के अभी देखो। जो चीज़ें मैंने बताई उसको अगर करोगे तो आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।